जिले से बड़ी खबर, न्यायाधीश की गाड़ी को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर। गाड़ी का पिछला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची न्यायाधीश महोदया। मुंसिफ मजिस्ट्रेट वंदना सिंह द्वितीय थी गाड़ी में सवार। ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब, पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। जालौन जिले के जालौन कोतवाली के सामने का मामला। बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर आप देख रही हैं, जहां न्यायाधीश की गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि न्यायाधीश महोदया वंदना सिंह द्वितीय बाल बाल बची। ट्रक ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, न्यायाधीश की गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक समूचा घटनाक्रम जनपद जालौन के जालौन कोतवाली के ठीक सामने का है, जहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की गाड़ी को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो महिला न्यायाधीश हैं उनकी गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में महिला न्यायाधीश वंदना सिंह द्वति भी सवार थी। मुंसिफ मजिस्ट्रेट हैं, जालौन में तैनात हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट द्वति, वो हैं वंदना सिंह सेकंड इनको कहा जाता है। ये गाड़ी में थी और ये मीटिंग के लिए उरई की ओर जा रही थी कि जालौन कोतवाली के सामने, ये मतलब जैसे ही अपने चैम्बर से निकल के बमुश्किल से वो 300 कदम ही चल पाई होंगी गाड़ी से कि पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है। गाड़ी में वंदना सिंह और उनकी अटेंडेंट भी सवार थी, वो बाल बाल दोनों के दोनों बाल बाल बची हैं और उनकी गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। एक्सीडेंट की सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन तब तक ड्राइवर ट्रक का जो चालक था वो मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गया है। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को यानी जो ट्रक है उसको कब्जे में ले लिया है और वंदना सिंह और उनके अटेंडेंट जो है फिर उसी गाड़ी से आगे उरई की ओर रवाना हो गए हैं। जी,